सेंट्रल पार्क की पार्क में, ई ब्लॉक वाली पार्क में मैं मौजूद हूँ। और इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, जो हमारे पास 5 मरले के घर यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये पार्क आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी पार्क है। और मैं आपको यहाँ पे, हमारे पास और भी ऑप्शंस आई हैं घरों की, जितने लोगों ने पहले भी वीडियोस देखी उन्होंने घरों को देखा, पसंद भी किया, जिन जिन्होंने देखा है और इसको घर को पसंद किया, उन्होंने ले भी लिया घर, तो वो ज़रूर कमेंट्स में लिख दें। तो यहाँ पे अब ऑप्शन ये है कि हमारे पास मज़ीद घर आए हैं जो सेंटर पार्क के ई ब्लॉक की इस पार्क के सामने हैं। आप देख सकते हैं ये भी घर सेल हो चुके हैं और ये भी घर हमारे पास अवेलेबल हैं। और उसके अलावा और यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, मैं आपको दिखाने लगा हूँ जी। ये फेसिंग पार्क, ये घर आप सामने देख रहे हैं जी, ये हमारे पास फॉर सेल है। तो आप इस घर की इस वीडियो को आज देखेंगे, इसके अंदर क्या कुछ है। ये असल में सोसाइटी ने ये घर बना के दिए थे और इन घरों का जो है समझ लें कि ये हमारे मॉडल हाउसेस थे। ये आप देख रहे हैं पूरे घर को, ये डबल जुड़वा घर हैं, लेकिन हम इनकी सेल के लिए आपके सामने मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। यहाँ पे मुकम्मल तौर पे आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी, रंग रोगन और हर तरह के जो लाइटिंग है हर चीज़ आपको फ्रेश मिलेगी। तो इस अच्छे तरीके से देख लें और ये देख रहे हैं जिस सामने इसके पार्क है, फेसिंग पार्क। चलते हैं और वीडियो को आगे लेके चलते हैं। वीडियो के गेट पर आ गए और ये घर हम देख रहे हैं जी, गेट पर हम मौजूद हैं। तो ये समझे कि ये 15 फुट का एरिया आपको इस घर में ये सेपरेट मिल रहा है और उसके बाद ये सामने पार्क के सामने ये 15 फुट का रास्ता आपको मिल रहा है। पार्क तो अभी वो सामने मौजूद है ना सारी। तो इस घर की खास बात ये है कि 30 फुट का तो आपको रास्ता रोड के अलावा, ये 30 फुट का आपको बड़ा खूबसूरत स्पेस एरिया मिल गया जहाँ पर ग्रीनरी होगी। यहाँ पर लाइफ बड़ी खुशगवार है। घर भी देखें कितने सारे घर बने हैं, कुछ घर बन चुके हैं, कुछ आबादी भी यहाँ पर आ चुकी है। तो अगर कोई पुरसकून लाइफ चाहता है तो इस वीडियो के जरिए से फौरी तौर पर हमसे रब्ता करें। इस घर की आपको हर एक कनेक्शन मिलेगा। ये देखें जी, ये बिजली के कनेक्शन है, पानी का इसका कनेक्शन मौजूद है, टफ टाइल लगी है, जल्दी ख़राब नहीं होती है टाइल। बाकी जब कोई घर ले लेगा तो लाजमी तौर पे इसकी मजबूत ये, क्योंकि सोसाइटी के जो हाउसेज हैं, ये हमारा स्पेस एरिया है। एक गाड़ी बड़ी छोटी कोई भी खड़ी की जा सकती। इसका रंग रोगन का काम चल रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका रंग रोगन आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगा। ये लाइटिंग सारी हो रही है क्योंकि ये घर दोबारा नए सिरे से, ये 2 से 3 साल पुराने घर हैं। ये हमारा ड्राइंग रूम को जाने का रास्ता है और ये हमारा अंदर जो हमारा एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस। तो चलें जी पहले ड्राइंग रूम में चलते हैं। ये देखें ड्राइंग रूम के साथ एक अटैच वाशरूम भी है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बेहतरीन अटैच वाशरूम है। ये हमारे छोटा सा इसको बेडरूम ही कह लें आप, पंखे आपको साथ ही मिलेंगे जी। ये देखिए छोटी सी मीडिया वाले बना दी उन्होंने। बाहर से आते हैं, किसी गेस्ट वगैरह को हम यहाँ पे स्टे भी करवा सकते हैं। ये अंदर आ गए हम, ये एक बड़ा जनाब टीवी रूम आ गया हमारा और सामने किचन है और एक बेड ये नीचे है। देखने को तो एक बेड ये है और एक ड्राइंग रूम है। तो ये देखें जी, ये थोड़ा सा स्पेस एरिया, यहाँ पे नीचे भी कोई बनाई जा सकती है, स्टोर वगैरह बनाया जा सकता है। और ये हम देखेंगे हमारा पाउडर रूम इसको कह लें जी, पाउडर रूम है जी, टाइल पत्थर का काम इसमें भी हुआ हुआ है। और दोस्तों जो वीडियो को देख रहे हैं ये ज़रूर देखें कि ये जो दरवाजे हैं काफ़ी मजबूत और हैवी बने हुए हैं। मैं इसको देख रहा हूँ, काफ़ी ये मजबूत हैं दरवाजे, क्योंकि घर में जो मटेरियल लगा होता है ना, अगर वो अच्छा है तो आपके घर की वैल्यू है। ये देखें लोहे का क्या रेट है, 200 रुपये का पर केजी चल रहा है। तो कितनी मजबूत और हैवी ये सीढ़ियों के साथ इन्होंने रेलिंग लगाई है, हल्के फुल्के पाइप भी लग सकते थे। और ये ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ है और टाइल हम देखेंगे, टीवी रूम की टाइल कितनी खूबसूरत है, 2x2 की टाइल है। ये सामने पूरी मीडिया वाल है, लकड़ी का काम बड़ा अच्छे तरीके से किया गया है। ये पूरी ऊपर की सीलिंग डिज़ाइन आप देखें, वीडियो बेशक लंबी होगी लेकिन आपके लिए कारामद होगी। आप इसमें से अपने आप समझ सकते हैं कि आगे चलते हैं जी। हमारा बेडरूम आ गया, बेडरूम में मीडिया वाल, पूरी दीवार में कबर्ड है, ये देखें जी ऊपर तक, ठीक है। सीलिंग डिज़ाइन इसका देखें, ठीक है। एसी के लिए जगह पॉइंट छोड़े गए हैं और ये वुडन वर्क किया गया है। ये हमारा अटैच वाशरूम है इसका, और ये हमारा बाहर वॉशिंग एरिया है, यहाँ से हम देख सकते हैं। घर बिल्कुल तैयार है, फौरी तौर पे पोजीशन के लिए तैयार है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर लाजमी तौर पे हमसे फौरी रब्ता करें। नीचे एक बेड है और ये उसके साथ एक किचन है। किचन भी देखें, काफ़ी स्पेस है किचन की, हर चीज़ रेडी है, काफ़ी स्पेस है इसमें। यहाँ पर कुछ पेंट का कोई थोड़ा बहुत काम होने वाला है। ये देखें जी, घर असल में बंद था, इसको दोबारा रंग रोगन किया जा रहा है। तो ये भी देखिए मोटर शोटर लगी और यहाँ पे काफ़ी इसका काम है, बेहतरीन चीज़ें हैं। ये ऊपर भी सीलिंग डिज़ाइन हो चुका हुआ है
तो आगे चलें और ऊपर वाले पोर्शन को भी देखें। नीचे एक बेड है और एक हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में भी अटैच वाशरूम दे दिया। नीचे इससे पहले भी मैंने दो तीन वीडियोस बनाई हैं, वो हमारे घर फ़ौरन सेल हो गए। इसकी डिमांड ज़ाहिर जी आपको बताई जाएगी। अब यहाँ से अंदर आ जाएं। ये हम आगे ऊपर, हमारे ऊपर दो बेड हैं। ये पहले बेड में आ गए, ये देखें पहले बेड में आ गए। और इसका भी सारा अंदर का डिज़ाइन देखें, एसी के कनेक्शन छोड़े हुए हैं। यहाँ से भी हम बाहर सुबह को उठेंगे तो सामने हमें ये ओरिजिनल सीन है, ये बनाए नहीं गए, ये ओरिजिनल सीन है। देखें जी क्या प्यारा खूबसूरत सीन है। ये आपके घर के सामने है, ये आपका अटैच वाशरूम विद कमोड और खुला डुला वाशरूम है पूरी फैमिली के लिए। टाइल पत्थर का वर्क किया गया है। आगे चलें जी, ये देखें कितने खूबसूरत और मज़बूत दरवाजे हैं। लकड़ी का काम बड़ा अच्छा किया गया। ये देखें रेलिंग, पाइप नहीं लगा बल्कि मज़बूत लोहे का इन्होंने रेलिंग लगाई है। ये आपका स्टोर कह लें, इसमें कुछ भी हम रख सकते हैं, सोफे वगैरह रख सकते हैं, कोई ऊपर बच्चों की स्टडी रूम कह सकते हैं हम लोग यहाँ इसको। फिर एक और हमारा ये रूम आ गया, ये भी हमारा एक खुला डुला बड़ा अच्छा भला हमारा ये बेडरूम है। ये देखेंगे कि हमारा अटैच वाशरूम, वाशरूम काफ़ी खुले डुले बनाए गए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे। ये भी देखें पूरी दीवार में अंदर एक अलमारी बनाई गई। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेंटर पार्क में जो रेट चल रहा है, बात करते हैं जी बाहर चल के खड़े होकर बात करते हैं। अब इसकी डिमांड की बात करूँ तो जो सेंटर पार्क में ना आम स्टैंडर्ड जो पाँच महल के घर होते हैं उनका रेट तकरीबन 2 करोड़ 1 करोड़ 25 से 30 लाख रुपए होता है। और हम फेसिंग पार्क वाले का हमेशा 10% ज़्यादा ही होता है, वो आप सब लोग जितने समझते हैं। तो इस तरह के घरों की प्राइस जो है ना 1 करोड़ 30 से 35 लाख रुपये है। अपनी आँखों को अपने जहन को सुकून दें, मज़े करें, इन्जॉय करें। ये बेहतरीन सोसाइटी सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पे हर चीज़ आपको अवेलेबल है। आप घर बैठे फ़ोन करें, डिलीवरी फ्री आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। किसी तरह का भी काम हो यहाँ पे आपको सेंट्रल पार्क में अवेलेबल है। रेस्टोरेंट्स आपके घर तक पहुँचेंगे, यहाँ पर हॉस्पिटल सेंट्रल पार्क के अंदर ही मौजूद है और बड़े बड़े पार्क्स मौजूद हैं। आप तो हर पार्क के सामने खड़े हैं तो यहाँ पर लाजमी तौर पर यहाँ पर आपको आना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए। वीडियो इसलिए लंबी हो गई कि डिटेल में बताना ज़रूरी था। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बता दूँ कि सीढ़ियाँ ऊपर छत पे जाने के लिए नहीं हैं, वो हमने खुद बनानी है, क्योंकि जो चीज़ बनी है मॉडल हाउस वही आपको मिलेगा। तो थोड़ा बहुत कोई 20-25 हज़ार रुपये की सीढ़ी लोहे की बैक साइड से ऊपर जा भी सकती है, तो वो काम किया जा सकता है। हम लोग जो चीज़ है वो आपको सामने रख दी। अब आप जब इस वीडियो को आगे शेयर कर दें अगर आपको चाहिए तो, नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉल कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।